अर्धसैनिक बलों के रिटायर्ड जवानों ने संसद मार्ग पर वन रैंक वन पेंशन जैसी मांग को लेकर फिर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि वो भी सेना की तरह मुश्किल ड्यूटी करते हैं, इसलिए उनको सेना जैसी सहूलियतें मिलनी चाहिए। संसद मार्ग पर कड़ी धूप में गुरुवार को अर्धसैनिक बलों के जवानों ने प्रदर्शन किया। हजारों की तादाद में मौजूद इन जवानों की एक ही शिकायत है, काम वे सेना की तरह करते हैं लेकिन पैसा और सम्मान उतना नहीं मिलता। जो फैसिलिटीज आर्मी को दी है उन वो तमाम फैसिलिटीज हमें मिलनी चाहिए, वो हम कोई भीख नहीं मांग रहे, वो हमारा हक है। सेना के जवान 20 साल में रिटायर हो जाते हैं, उनको आप ये पूछे कि हमारे देश का बॉर्डर कहाँ है। हमारे पैरा मिलिट्री के जवान 24 घंटे देश में ड्यूटी करते हैं, और डोकलामा विवाद में कौन था? आईटीबीपी। प्रदर्शनकारी जवानों की चेतावनी है कि अगर सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी तो वो राजनीतिक तौर पर भी उसका विरोध करेंगे। आने वाले 2019 के चुनाव में 20 लाख अर्धसैनिक बल परिवार, जो देश की कुल आबादी का 5% है, आने वाले चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वोट उसी को जो अर्धसैनिक बलों के मन की बात करे, ये बात आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचे। ये जवान चीन और पाकिस्तान की सरहदों पर तैनात किए जाते हैं। 15,000 फुट की बर्फानी ठंड से लेकर 50 डिग्री की रेगिस्तानी आंच भी झेलते हैं। नक्सलियों से लेकर आतंकियों से लोहा लेते हैं। इन सब के बावजूद इन्हें न वन रैंक वन पेंशन मिली और न ही मिलिट्री सर्विस पे। 2014 के बाद तो इनकी पेंशन भी बंद हो गई है और इनके बल के लोग डीजी तक नहीं बन पाते हैं। मेरी पेंशन से खाने के लिए गुजारा मुश्किल हो रहा है। घर में बेटियां आ जाती हैं तो किसी से कर्ज उठा करके उनके कपड़े बनवा करके देने पड़ते हैं। हमें एक चपरासी के बराबर समझा जा रहा है, एक सिविल समझा जा रहा है, जो कि हम अपने घर से अपने बाल बच्चों से 6-6 महीने 7-7 महीने साल साल भर दूर रहते हैं। इस सरकार से जवानों का दिल खास तौर पर टूटा है क्योंकि उन्हें लगातार भरोसा दिलाया गया कि उनकी मांग मानी जाएगी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अभी सेना में वन रैंक वन पेंशन का मामला सुलझा ही नहीं है कि अर्धसैनिक बलों के रिटायर्ड जवान मैदान में आ गए हैं। अब देखना यह है कि सरकार इस मामले को कैसे सुलझाती है, क्योंकि सरहद की रखवालों की नाराजगी न तो देश हित में है और न ही सरकार के हित में। नई दिल्ली से राजीव रंजन, NDTV इंडिया।